नमस्कार दोस्तों, लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम खा तक पूरा विस्तार से लिखना सीखे थे। इस वीडियो में हम गार से शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला लकीर हम खींचेंगे। ऊपर वाला लकीर आपका झकृत थोड़ा सा पतला होना चाहिए, ये मैं हर बार आप लोगों को कहता रहा हूँ। अब स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा पीछे की ओर जाकर हम इसे थोड़ा सा गोलाई करने का प्रयास करेंगे, ये। फिर उसके बाद खा को जैसे किए थे वैसा ही यहाँ गोल कर देना है, ठीक है। ये खड़ी लकीर को थोड़ा मोटा करना है, तो अपने आप मोटा हो ही जाता है ऐसे भी। अगर स्पेस कम हो तो गा को इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे खा के लिए मैंने बताया था। स्टार्टिंग पॉइंट से ये जो गोल है उसको सीधा करेंगे इस तरीके से। अब इसका गोल कर देते हैं। नीचे वाला पॉइंट को आप थोड़ा सा मिटा कर गोल कर सकते हैं। ये ग हो गया। अब हम रंग कितना डुबाना चाहिए इस पर भी ध्यान देना है, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था। तो घा लिखते हैं आगे। ऊपर से ही नीचे वाला भी राउंड होना चाहिए इस तरीके से। इसको हम नीचे से ऊपर की ओर इस तरीके से बीच वाला गोलाई पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर स्पेस कम हो तो घा को और थोड़ा पतला सा लिख सकते हैं, जैसे बीच में मैंने बता रहा हूँ इस तरीके से। अब इसमें हम ऊपर से नीचे की ओर ये करके लिखेंगे गोलाई को, ये इस तरीके से। बीच वाला गोलाई पर ध्यान दीजिएगा, आप नीचे से ऊपर लेके जाएं या ऊपर से नीचे लेके आए, जैसा आपको सुविधा हो। इसमें अब मैं अंगा नहीं लिख रहा हूँ, अंगा की जगह मैं चा लिख रहा हूँ। अंगा को आप वैसे भी बहुत कम ही यूज होता है और हर सही का तरीके से लिख सकते हैं। चा का जो ये जो लकीर है वो ऊपर वाले लकीर से थोड़ा सट कर होना चाहिए। बीच वाला गोलाई में हमेशा ध्यान देंगे, वो जैसा राउंड होता है वैसा ही दूसरा वाला को भी राउंड करना है। ऊपर वाला लकीर से थोड़ा सा नीचे में ही ये वाला लकीर खींचेंगे, उसके बाद इससे भी सटा के ऐसा ये ऊपर से हम लेते हैं इसको। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इसमें ध्यान देने की बात है ऊपर वाला लकीर तो नीचे वाला थोड़ा सट के ही होना चाहिए। छा अब हम लिखेंगे। छा दो तरह से लिख सकते हैं, इस गोलाई के हिसाब से ये भी ऐसा ही होना चाहिए बराबर। अब यहाँ हम जीरो बनाते हैं, अब इस साइड वाला को नीचे लेके आ जाएंगे, ये छा हो गया। छा को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगता है लिखने में। यहां में हम गोल कर देंगे। अब उसका पूंछ निकाल देंगे, ऊपर वाला थोड़ा सा पीछे हो गया है, उसको घुमा देते हैं थोड़ा सा, ये। तो इसमें आप इसमें जो भी आपको सुविधा लगे लिख सकते हैं। छ के बाद हम लिखते हैं ज। ये वाला लकीर ऊपर वाला लकीर से थोड़ी सी ही दूरी पर होना चाहिए,
अब इसको राउंड थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको इस तरीके से थोड़ा सा मोटा कर पतला उतारेंगे इस तरीके से, तो इसमें देखने में अच्छा लगता है। डायरेक्ट पतला करने से भी उतना अच्छा लगता है, लेकिन ये मेरा स्टाइल है समझ लीजिए। अगर स्पेस कम हो और जाकर दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ये वाला लकीर ऊपर वाला लकीर से सेट कर लेना चाहिए, थोड़ा सा सीधा इसे यहाँ खींचते हैं जैसे गा को खींचते हैं। अब हम लिखते हैं झा, तो झा लिखने के लिए ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर से ही जो मैंने बताया था वैसे ही पहले हर से ही बना लेते हैं। यह हर सही हो गया, इसमें एक लकीर खींच के झा बना, यह हो गया झा। यह ज्यादा प्रयोग में आने वाला शब्द नहीं है, फिर भी मैं लिख कर दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से। ज्यादा दूरी मत रखिएगा दोनों के बीच में, हल्का सा दूरी बस, ये हो गया यहाँ। उसके बाद लिखते हैं हम टा, इस तरीके से लिखने से समय ज़्यादा लगता है, लेकिन जब स्पेस आपके पास ज़्यादा हो तो इस तरीके से आपको लिखना चाहिए। ये हो गया टा। दूसरा तरीका से इसको ऊपर से नीचे ला सकते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा बेंड करते हुए यहाँ मिलाने लाकर, ये हो गया टा। अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जल्दबाजी में या स्पेस कम हो तो इस तरीके से आप टा लिख सकते हैं। और अगर आपका हाथ बढ़िया से सेट हो गया है तो एक बार में घुमा कर भी लिख सकते हैं इस तरीके से। देखिए दोस्तों, अब हम लिखते हैं ठा, इसको वहां एकदम सटाक नहीं लिखना है, धीरे से नीचे उतारना है इस तरीके से ठा। अगर और भी थोड़ा सा जल्दबाजी है और स्पेस कम है तो यहाँ हम डायरेक्ट जीरो बना दे सकते हैं इस तरीके से करने के बाद, उसके बाद लिखते हैं डा। तो डा हर से ही जैसा लिखते हैं वैसा ही करना है, खाली इसका पूंछ नहीं निकालना है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं रहता है इसमें। ये हो गया डा, शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं। अगर आपका हाथ ज्यादा घूमता है तो इस तरह से एक बार में घुमाकर लिख सकते हैं, तो ये प्रैक्टिस वाली बात है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद लिखते हैं ढा, इस तरीके से गोल यहाँ में जीरो बना दीजिए, बीच में गैप होना चाहिए, ढा का बीच में जो गैप नजर आ रहा है वो होना चाहिए, गोल मत कर दीजिएगा, मैं तो लिखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ जीरो बनाइए और इधर वाला भाग को मिला दीजिए। का कोई अलग ये नहीं होता है, एक ही तरह से लिखा जा सकता है। इसके बाद हम लिखेंगे ता, तो मैंने ये समय बचाने के लिए लकीर पहले खींच लिया है वीडियो को पॉज करके, सीधा लकीर ऊपर से सट आगे करें, ऊपर वाले लकीर से आज इस तरह से घुमा के नीचे वाले पोर्शन को थोड़ा मुद्दर टाइप का एकदम लास्ट छोर को मोटा कर सकते हैं हल्का सा। दूसरा तरीका है डायरेक्ट आप इस तरीके से एकदम एक बार में लिख सकते हैं, ये इसको थोड़ा सा मोटा कर दीजिए, ये वाला भाग थोड़ा सा सट गया है तो एक बार और लिख कर दिखाता हूँ, थोड़ा सा ये वाला भाग थोड़ा
थोड़ा सा और दूरी बनाकर लिखते हैं, ज़्यादा सट जाने से भी थोड़ा इतना खास नज़र नहीं आता है। ये हल्का सा गैप होना चाहिए। अब लिखते हैं था, पहले जीरो होना ही है, इस वाले छोर को खींच के नीचे लेके आइए, ये वाला पोर्शन को थोड़ा सा नीचे खींच के लाके वापस जो मोड़े हैं मोड़ है उस हिसाब से ही वो वाला मोड़ भी होना चाहिए। ये जो मोड़ है ये उसके बराबर होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा नीचे लाने के बाद अब लिखते हैं द। पहले टा जैसा हम बनाए थे उसे टा बना लेते हैं इस तरीके से। ये टा बन गया, इसको गोल कर देते हैं। यहाँ में बीच में गैप रखने की आवश्यकता नहीं है, नीचे लपटने के लिए इस तरीके से कर देते हैं। आप सीधा सिर्फ सीधा लकीर भी दे सकते हैं, शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ जीरो बनाइए, इस वाले भाग को खींच के लिए लिखते हैं ध। तो ध और घ में ज्यादा अंतर नहीं रहता, सिर्फ ऊपर का लकीर का अंतर रहता है, फिर भी मैं लिख कर दिखा रहा हूं। नीचे से लेके जाते हैं ऊपर इस तरीके से। ये ऊपर और भाग में कहां मिला रहा हूं उसको भी ध्यान में दीजिए, बीच वाला गोलाई में भी ध्यान दीजिए। अगर स्पेस कम हो तो इस तरह से हल्का सा नीचे से ऊपर लिए तो ऊपर से नीचे इस भाग में यहाँ से शुरू करना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको मैं जो कहना चाह रहा हूँ। और इसके बाद लिखते हैं ना, ये एक ना हो गया, दूसरा तरीका से भी आप लिख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो गया है तो यहीं पर इसको अंत करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।